सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि और भी मनोरंजक कहानियाँ सबसे पहले देख सके। बहादुर किसान। रामनाथ नाम का एक योद्धा भारत के एक शहर में रहता था। एक बार उसे किसी कारण वशतः एक अन्य शहर की यात्रा पर जाना पड़ा। वो अपना सामान और तलवार लेकर यात्रा पर चल पड़ा। यात्रा के दौरान मार्ग में उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। जंगल में रामनाथ को जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिन्हें सुनकर वो बहुत भयभीत हो गया। रामनाथ शहर में तो अपने साथियों के सामने अपनी वीरता की ढींग हांकते नहीं धकाता है, लेकिन वास्तव में वो बहुत डरपोक था। भयानक जंगली पशुओं की आवाज़ सुनकर कई बार तो रामनाथ का वापस लौट जाने के मन हुआ, लेकिन किसी तरह हिम्मत बंधाकर वो आगे बढ़ता रहा। वो सोच रहा था कितना अच्छा होता अगर जंगल की इस भयानक यात्रा में कोई मित्र भी मेरे साथ हो। उसी समय एक अन्य योद्धा श्यामनाथ भी उसी जंगल में यात्रा कर रहा था। उसके पास भी काफ़ी सामान था। रामनाथ की भांति वो भी ढींग हांकने में ही वीर था। में दोनों योद्धाओं की मुलाकात हो गई। फिर तो दोनों ने एक साथ ही अपना यात्रा पूरी करने का निश्चय किया। आगे की यात्रा प्रारंभ करने के कुछ ही देर के बाद उन्हें एक किसान मार्ग में आगे उसे देखकर दोनों योद्धाओं के दिमाग में एक विचार आया। वो दोनों तेजी से चलकर किसान के पास पहुंच गए। फिर रामनाथ उस किसान से बोला, दोस्तों इस जंगल में अकेले घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लगता है? यदि किसी जंगली जानवर ने तुम्हें मार डाला तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? ये सुनकर किसान का चेहरा भय से पीला पड़ गया और वो बोला, बहादुर योद्धाओं, मेरा एक छोटा बच्चा है, अगर इस जंगल में मुझे कुछ भी हो गया तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। यदि आप मुझे घर तक छोड़ देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगा। तब श्यामनाथ ने उसे कहा, मित्र चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा हम अपनी तलवार से करेंगे। बस तुम हमारा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये सुनकर किसान बोला, आप काम बताइए, मैं आपका हर काम करने को तैयार हूँ। रामनाथ ने कहा, हम यात्रा करते हुए बहुत दूर से ये भारी सामान उठाकर आ रहा हूँ, इसलिए हमें थकावट अनुभव हो रहा है। क्या तुम हमारा सामान उठाकर चल सकते हो? किसान को तो मेहनत का काम करने की आदत थी, उसने तुरंत उसका सामान उठा लिया। फिर वो तीनों आगे की यात्रा पर बढ़ चले। कुछ ही दूर चलने के बाद दोनों योद्धाओं ने किसान की कमियां निकालने शुरू कर दी। किसान की आलोचना करते हुआ रामनाथ बोला, ये तो नीरा बेवकूफ है, इसे तो ये भी नहीं पता है कि हमारे जैसा योद्धाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक से चलना भी नहीं आता। किसान को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था,
लेकिन उसने उस समय शांत रहना ही ठीक समझा। वो उन दोनों को सबक सिखाने के लिए उचित समय का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों जोधा आपस में बात करने में मगन हो गए और किसान की ओर से उनका ध्यान हट गया। तभी किसान ने अचानक सामना की तलवार स्थान से खींचकर उसका गर्दन पर रख दी। फिर वो गरज कर उनसे बोला, प्राण बचाना चाहते हैं तो अपना सारे पैसे और गहने मेरे हवाले कर दो। भय के कारण बहादुर योद्धाओं की धड़कन बंद हो गई थी। जान खतरे में देखकर दोनों योद्धाओं ने तुरंत अपना सारा धन किसान को सौंप दिया। अब किसान ने उनका ही नहीं वकील अपना सारा सामान भी उनकी सिरों पर उठाकर उससे आगे चलने को कहा। दोनों योद्धाओं ने तुरंत किसान के आदेश का पालन किया। थोड़ी ही देर में वो भयानक जंगल में निकलकर एक गांव में पहुंच गया। योद्धाओं को इस प्रकार सामान उठाकर चलना और किसान को उनके पीछे चलते देखकर गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। हाथ में तलवार लिए किसान ने गांव वालों से पूछा, क्या तुम लोगों ने कभी ऐसे बहादुर योद्धाओं को इस तरह सामान उठाकर चलते हुए कभी देखा था? गांव वालों के बीच स्वयं को इस प्रकार दयनीय अवस्था में पाकर दोनों योद्धा शर्म से भूमि में गड़े जा रहे थे। इस प्रकार किसान ने उन बहादुर योद्धाओं को सबक सिखाया।